सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर हैं। अभी हम वहीं पर एंटर करेंगे और आज हमारा प्रोग्राम है यहीं पर प्रचार करने का, स्टूडेंट के साथ मिलकर अपने फिल्म के बारे में बताने का और उन्हें उनसे देखने का अनुरोध करने का। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग BHU के कैंपस में घूम रहे हैं और क्या गर्मी है। हमारे चेहरे से आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा स्थिति क्या है। स्वेटिंग, ये इस जो बॉटल है ना, इसमें हम लोग ORS डाल के चल रहे हैं। ये शूटिंग के टाइम से हम लोग हैबिट था, तो ये हैबिट को फॉलो कर रहे हैं। व्यू भी शानदार है और गर्मी भी शानदार है। इतनी शानदार गर्मी है कि घातक है ये। अगर अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते रहे तो फिर गिरने से कोई नहीं बचा सकता, मूर्छित होने से कोई नहीं बचा सकता। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए हमारे चैनल पे, अनवांटेड मूवी को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे ब्लॉग्स भी है उनको भी देखिए। थक हार कर बैठ गए हैं इस पेड़ के नीचे, पसीने से क्या हालत हो चुकी है, जुबान भी लड़खड़ा रही है। विकराल रूप है गर्मी का, रौद्र रूप लिया हुआ है। पहले तो चलते चलते थक गए थे, अब बैठे बैठे थक गए। सारे लोग खा रहे तो हम भी खाएं, कुछ काम इसलिए भी करना चाहिए कि सारे लोग कर रहे हैं। और हम लोग उस टेंपल कैंपस में ही हैं, लेकिन उस टेंपल से बाहर बैठे हुए। ये जो सामने में आप दिख रहा है, ये है BHU कैंपस में विश्वनाथ टेंपल। और छायांकन मतलब कि पिक्चराइजेशन प्रोहिबिटेड है, तो हम अंदर जाकर पिक्चर भी नहीं ले सकते हैं। इतना कड़ा है कि हम लोग इतने बार पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेटेड हो गए हैं और लगता है और नहीं हो पाएगा, इधर ही स्टॉप कर दे प्रमोशन, इस तरह से लग रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके कवर करें। लेकिन आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, सबको बोलिए कि अनवांटेड मूवी को देखे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मधुमिता हार नहीं मानना है हम लोगों को। चेहरे से देख सकते हैं कि हम लोग ने तो पूरी कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉल भी ले लिया है और कोल्ड कॉफ़ी खाने के बाद, पीने के बाद, बंगाली में खाने के बाद कोई हार मान सकता है क्या? और मैं लस्सी पी चुका हूँ, तो फिर मैं भी खाने लगा हूँ लस्सी को। एक इच्छुक मिले हैं जिनके साथ हम लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, टूर ऑर्गेनाइज कर दी यूपी में। अच्छा, इंटरनेशनल टूरिस्ट को। अच्छा अच्छा अच्छा, इस कॉलेज के एक स्टूडेंट है आप? बहुत अच्छी बात है। पास में संत रविदास जी का जन्म स्थान है। अच्छा, मंदिर, वहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं मैं जी से। अच्छा अच्छा, संत रविदास और कबीरदास हुए। हाँ, BHU कैंपस पास में संत रविदास जी का जन्म हुआ। मैं संदीप सिंह हूँ, 2016 BHU से PG इन साइकोलॉजी पास आउट हूँ और सोशल वर्क जुड़ा रहता हूँ ध्यान मेडिटेशन से। और जीवन आपका के लिए टूर ऑर्गेनाइज करता हूँ, स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करता हूँ। पूर्वी भाग में है BHU के मधुमिता और राजकुमार जी, और हमें जो टेंपल में मिले थे संदीप सिंह जी, वो ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे यहाँ पर। तो ये हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो और भी पावन धरती पर, पावन परिसर पर लेकर हमें चलते हैं। ये वो तप स्थान है संत रविदास जी का, जहाँ पर वो योग पे बैठते थे। और ये वो चट्टान है जो कठौत कहते हैं, जो एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती पे गंगा, यहीं से वो शुरू हुआ जिसमें संत जी ने
अपने कठोर भर पानी में माँ गंगा को प्रकट किया था अपने योग से, अपनी भक्ति से। तो ये बहुत ही दर्शनीय स्थल है, हमें जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर है, तो ये हम खास तौर पर आप सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस जगह पे ज़रूर आएं और आपको बिल्कुल एक शांति और पीस